अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वसीम साजद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज फिर हम मौजूद हैं टीएम फार्म पर। आज आप दोस्तों को जो देसी हॉर्सेस हैं वो चेक करवाते हैं। बेसिकली ये पाकिस्तान की टॉप ब्रीड्स हैं। इन घोड़ों के नाम आप पहले भी जान चुके हैं, लेकिन इस बार हम जितने भी देसी घोड़े हैं उनको इकट्ठा करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो हमारे दोस्त इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी तो दोस्तों, हमारे सामने मौजूद हैं रियाज अहमद साहब। आप इनकी वीडियोस हैं वो देखते रहते हैं, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हमें बताते हैं। क्योंकि ये घोड़े इनके सामने ही बड़े हुए हैं तो ये हर हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो मुकम्मल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम वीडियो बनाने लगे हैं देसी घोड़ों पर, तो एक एक करके आपने डिटेल देनी है ताकि दोस्त अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ सकें। सबसे पहले ये सुल्तान घोड़ा है, इसके मतलब दोस्तों को बताइएगा। ये सुल्तान घोड़ा है जी, यंग घोड़ा है और इसकी उम्र है इस वक्त 4.5 साल। ये हमारे घर का घोड़ा है, एक हमने जंग से घोड़ी लेके आए थे, ब्रालों से, ब्रालों वाली ब्लड लाइन का ये घोड़ा है और बड़ा नफीस और बड़ा अच्छा है। नेज़ाबाजी भी बड़ी अच्छी कराता है, सवारी भी बड़ी अच्छी कराता है और इससे अब कवरिंग भी हो रही है। उम्मीद करते हैं बच्चे भी अच्छे आएंगे। अच्छा, अभी तक इसके बच्चों का रिजल्ट नहीं आया? नहीं जी, अब तक नहीं रिजल्ट आया क्योंकि पहले कवरिंग ही नहीं कराई, इसी साल ही अभी कवरिंग इसकी देने शुरू हुए हैं। अच्छा, इस घोड़े की कितनी हाइट होगी? होगी इसकी हाइट इस वक्त होगी 62 इंच। 62 इंच जी। तो और कितनी हाइट जो है आप एक्सपेक्ट करते हैं इससे? अभी 6 माह इसके पास और हैं और थोड़ी और हाइट कर जाएगा, 62 से प्लस हो जाएगा, कुछ पॉइंट बढ़ जाएंगे। वैसे कितने सालों तक जो घोड़ों की ग्रोथ है वो होती रहती है? 5 साल तक। कद के हवाले से? कद के हवाले से वैसे चौड़ाई, खूबसूरती, नफासत वो तो बढ़ती रहती है, वो अपनी सेवा पे बढ़ती है। जैसे आप घोड़े की सेवा करेंगे वैसे घोड़ा रिजल्ट देगा। कितनी एज बताई आपने? 4.5 साल। 4.5 साल, माशाल्लाह। इस घोड़े की तो बेशुमार वीडियोस चैनल्स के ऊपर पड़ी हुई हैं, हमारे ही चैनल पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ जो दोस्त हमारे आते हैं इधर वीडियोस बनाने के लिए वो वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं। और इस घोड़े ने तो कमाल कर दिया है, पाकिस्तान के अंदर टॉप ब्रीड के जो देसी नुकरे हैं वो पैदा किए हैं। इस घोड़े का बहुत ही बड़ा नाम है, तो रियाज भाई इसे इस घोड़े के मतलब जानते हैं। जनाब ये घोड़ा तो किसी तारफ का मोहताज नहीं है, जुले सियाल वाला घोड़ा है और जिसने हमारे पाकिस्तान का बहुत अच्छे घोड़े पैदा किए हैं, बहुत अच्छे घोड़े, नुकरे और खूबसूरत, और पाकिस्तान से बाहर भी इसका पूरा एशिया में नाम है। इतना मशहूर तरीन घोड़ा कोई नहीं है हमारा पाकिस्तानी जितना ये मशहूर घोड़ा है और जितने अच्छे इसने बच्चे पैदा किए। रियाज भाई एक सवाल है, तलख है मेरी तरफ से, कि अक्सर दोस्त कहते हैं कि जुल्ले सियाल वाला को घोड़ा नामवर घोड़ा नहीं है जी, इसके मतलब सिर्फ एक हिस्ट्री बनाई गई है, तो आज दोस्तों को ये क्लियर करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और दोस्त भी अपनी जगह पे सही कहते होंगे। हमें जो मालूमात है हम वो शेयर कर रहे हैं, हमने खुद तो नहीं बनाई, आखिर इसमें कुछ अच्छे बच्चे इसने पैदा किए हैं। और नाम उस वक्त ही बनता है जब कोई इंसान है या जानवर है वो मेहनत उसकी रिजल्ट लाती है। बिल्कुल, इसके बच्चों का कोई रिजल्ट आया पाकिस्तान लेवल पे, इसका नाम बनाना, इसका नाम लोग बनाने वाले हैं और लोगों ने उस वक्त ही बनाया जब इसका मैदान में रिजल्ट आया, इसके बच्चों ने मैदान मारा, इसके बच्चों ने मैदान में रिजल्ट अपना दिखाया, खूबसूरती का रिजल्ट दिखाया, काम करके दिखाया, नेजाबाजी में, डांसर में, इस वजह से नाम बना है। और किसी से कहने से नाम नहीं बनता, जा किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक मजे की बात है, जिस इंसान के कोई मुखालफ नहीं ना होते उसकी भी कोई जिंदगी नहीं होती। ये भी बात है। इसमें यह है कि पहले टीएम फार्म पर जो कवरिंग की फैसिलिटी नहीं थी, शाजो नादर फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन जैसे ही माशाल्लाह नाम रोशन हुआ है, लोग दूर दूर से आते हैं, तो वैसे ही बातें भी होना शुरू हो गई हैं, लेकिन बातें तो चलती रहती हैं। दोस्तों इस घोड़े में हम दुआ गो हैं उनके लिए, जो दुआएं देते हैं उनके लिए भी और जो बातें करते हैं हम उनके लिए भी दुआ गो हैं।
अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और सबको अल्लाह रमज़ान का महीना है, थोड़ी सी इस जुल्ले सियाल वाले घोड़े की हिस्ट्री दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसकी हिस्ट्री ये है जी, हम ये हमारे पास थे मुख्तार जटाना साहब और उन्होंने बताया जी ये घोड़ा बहुत अच्छा नामवर है, तो उसकी खिदमत नहीं हुई और वो इस वक्त मरने के बिल्कुल करीब है, तो उसके आप इतने घोड़ों की खिदमत कर रहे हैं तो उसको भी लाना चाहिए, उसकी भी खिदमत करनी चाहिए, जानवर है बेजुबान है। हमने कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं ले आए, हमारे बॉस ने कहा ले आए, ले आए तो बिल्कुल इसको उठा के लेके आए, इसकी बुरी हालत थी, ये खड़ा होकर नहीं आया था, ये गाड़ी में लेट के आया था, इतना वीक था ये, इतना वीक था। हमने इसके मुकम्मल टेस्ट कराए, मुकम्मल इसका ट्रीटमेंट किया, इसका इलाज किया, इसको खुराकें दी, बीमारी कोई नहीं थी इसमें, सिर्फ कमज़ोर था और इसकी केयर नहीं की गई थी और इसकी खिदमत की थी, इसने अच्छा रिजल्ट दिया। उसके बाद फिर दोस्तों की कुछ दोस्त बातें करने वाले थे, कुछ दुआएं देने वाले हैं, बहुत दुआएं भी हमें मिली और कुछ दोस्तों ने उसके बाद जैसे जैसे पता चला तो उन्होंने कहा जी हमें इसका बच्चा लेना है कवरिंग दे, तो कवरिंग ये आज तक ये माशाल्लाह ये यंग घोड़ों की तरह कर रहा है, हम इसकी खिदमत कर रहे हैं, ये दोस्तों का शौक पूरा कर। अच्छा ज़्यादा ये नुकरे पैदा कर रहा है या नुकरियाँ पैदा कर रहे हैं? हाँ जी ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो जी 90% नुकरे और 90% नर पैदा कर रहा था, अब ये 50% मादी और नुकरी पैदा कर रहा है और 50% नर और नुकरे पैदा कर रहा। तो इसकी कोई एग्जांपल है फार्म पर आप क्यों नहीं रखते कि ये इसका रिजल्ट है? क्योंकि जुल्ले सियाल वाला घोड़ा तकरीबन 4-5 साल तो हो गए हैं जी बिल्कुल इधर मौजूद है, तो आपने अभी तक अपने पास जुल्ले सियाल वाले का ना आपने नुकरा रखा है ना नुकरी रखी है, इसकी क्या वजह है? नहीं वो हमने रखा था जी, एक बच्चा हमारे पास था 2-2.5 साल था, इसी घोड़े का बच्चा, वो मर गया था और अब हमने एक, मैं अभी मेहर आपको दिखाने जा रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत मेहर वो हमने बच्ची ली थी 2 साल की और इस वक्त वो माशाल्लाह 3 साल की हुई है, तो हमने क्रॉस करवाई इसी घोड़े से जुल्ले सियाल वाले से और उम्मीद करते हैं बहुत खूबसूरत अच्छा रिजल्ट आएगा, अब 2 महीने की वो प्रेग्नेंट है। यानी कि मेरे सवाल का जवाब आपने फौरन ही दे दिया है। हाँ जी शुक्रिया। अच्छा इस घोड़े के मतलब भी बताइएगा, मक्खियाँ बहुत आ रही हैं इनके ऊपर, इसकी क्या वजह है? असल में सीजन मक्खी का है ना, मक्खी का मौसम है इधर ज्यादा था और इस वजह से ओपन जगह है। ये जनाब घोड़ा हमारे घर का, ये भी घोड़ी का बच्चा है और जैसे जुल्ले सियाल के बारे में लोग कहते हैं, बातें करते हैं, कुछ दुआएं देते हैं तो कुछ बातें करते हैं, इसी तरह सेम इसी का भी आ रहा है नेक्स्ट नंबर। ये अल्लाह की तरफ से जी, कोई इसका माँ और बाप मड़वारी नहीं है, देसी माँ बाप का बच्चा है, घोड़ी बड़ी अच्छी थी और घोड़ा ये रुस्तम बड़े अच्छे घोड़े का बच्चा है और ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें गिफ्ट, खूबसूरत इसके कान है, खूबसूरत घोड़ा है मिला और उसका हम जो रिजल्ट है दिखा रहे हैं दोस्तों को। इसकी एज दोबारा क्लियर कर दीजिएगा। इसकी एज अब होगी है जी 37 महीने, 37वां एज होगी। हाँ जी 37वां में इसने कितना कद कवर की है? अभी इसका कोई 61+ है जी, 61+। और एज कितनी बताई है? 37 महीने, 37 माह और अभी इसने बढ़ना है 12-5 60 60 माह तक ये जाएगा। हाँ जी अभी बढ़ेगा और बढ़ेगा। अभी तो ये बच्चा है तो आपने ये स्टैलियन बना दी है? स्टैलियन हम तो नहीं बनाना चाह रहे थे, दोस्तों ने शौकीन रातों में दोस्तों ने ना बना दिया, उन्होंने जबरदस्ती जी हमने घोड़ी इसी से कवर करवानी है, इस वजह से ये स्टैलियन बन गया। तकरीबन दो चाह रहे थे भी 4 साल तक ये बच जाए। 2 माह से आपने स्टैलियन बनाया है जी, तो अब तक तकरीबन कितने दोस्त खुश होके जा चुके हैं इससे जी? अब तक तकरीबन कोई 10 से 15 घोड़ियां कवर हो गई हैं जी। बेहतर हो गया सर 2 माह के अंदर। 2 माह के अंदर और वो जुल्ले से तो माशाल्लाह बहुत हो रही है, बुकिंग नहीं मिलती जी। तो दोस्तों ये नुकरी घोड़ी है, बड़ी नयाब है और इसके मतलब भी जानते हैं।
जी रियाज भाई। अच्छा जी, आपने एक सवाल किया था भी इसके बच्चे क्यों नहीं लेते जिले से हाल के। ये जी घोड़ी का नाम है शहजादी और आपको देखने में भी हर चीज से शहजादी लग रही है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। ये 2 साल की हमने बच्ची ली थी और इसको पाला है, अब ये कवर हो गई है, इसको 2 माह हो गया, कवरिंग हो गई है इसकी। इसका बच्चा खूबसूरत इंशाल्लाह आएगा दुल्हे सियाल वाले घोड़े का, वो फिर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे हम। अच्छा वीडियो तो बन गई 12 मिनट की, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था, दोस्तों को क्या दिखाना चाह रहे थे हम? मकसद मेरा ये था जी, कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था भी आप देसी घोड़े जी सारे इंग्लिश घोड़े दिखाते हैं और हमारे पाकिस्तानी देसी घोड़े भी दिखाएं, तो फिर मैंने आज हमारे जो TM फार्म के देसी हमारे पास जानवर हैं, शहजादी है, जुले सियाल वाला है, उसके अलावा हिटलर घोड़ा है और दूसरा सुल्तान है, तो मैंने कहा जी मैं देसी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों की फरमाइश पर देसी घोड़े दिखा रहा हूँ जी। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।